हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मुझे पता है सर, ज़्यादा अच्छे तो नहीं होंगे। थोड़ी परेशानी, थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ होगा, थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ा गुस्सा होगा इंस्टीट्यूट की तरफ, जो जायज़ है, होना भी चाहिए। आपसे ज़्यादा सर मुझे गुस्सा आ रहा है इंस्टीट्यूट के ऊपर, इंस्टीट्यूट की हरकतों को देखकर। अक्टूबर अटेम्प्ट कैंसिल करा, दिसंबर के साथ मर्ज किया। अगर करना ही था तो फ्री, कहते ना, बेफिजूल का लड्डू बच्चों के सामने क्यों रख दिया कि भाई अक्टूबर में एग्जाम होंगे। अगर करना ही था तो पहले ही बोल देते कि भाई अटेम्प्ट कैंसिल है, दिसंबर में एग्जाम होंगे। बच्चा उस हिसाब से प्लानिंग करता है। अब मैं इंस्टीट्यूट को ये दिखाऊंगा, इस वीडियो, ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव मेरा पता क्या है? ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि बस वहां तक मेरे को अपनी आवाज पहुंचानी है। और वो आवाज कौन पहुंचाएगा सर? आप लोग पहुंचाओगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सर्कुलेट करोगे, क्योंकि मुझे रियलिटी लेके आनी है जो कि शायद इंस्टीट्यूट नहीं जानता। और मैं आपको बताऊंगा सर आपको करना क्या है। पहली चीज तो ये कि सर इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या उनको नहीं पता कि भाई बच्चों का एक एक टाइम, एक एक महीना, एक एक मिनट, एक एक दिन कितना कीमती होता है? इंस्टीट्यूट उन बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रहा कि सर जिसका बैकग्राउंड जो है, फैमिली बैकग्राउंड जो है वो वीक है, जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट है, टाइम पे टाइम उनका निकले जा रहा है। पहले उन्होंने क्या करा, जून वाला अटेम्प्ट कैंसिल करा, ठीक, अक्टूबर में बोल दिया कि भाई अक्टूबर में एग्जाम होंगे, वो भी कैंसिल कर दिया। फिर बोल दिया उन्होंने दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, और मुझसे लिखवा लो सर दिसंबर में भी आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप, नहीं होंगे दिसंबर में एग्जाम्स? जेन्युइन रीजन है इसके पीछे। सीए का एग्जाम दिसंबर में है, सीएस का एग्जाम दिसंबर में है, सीएमए अपना स्लॉट कब डालेगा, टाइम ही नहीं होगा। अननेसेसरी उनको जनवरी में एग्जाम कंडक्ट कराने होंगे, और जनवरी में ही होंगे आपके एग्जाम। वो बोलने वाली बात है कि भी दिसंबर में एग्जाम होंगे, एग्जाम के पूरे पूरे चांसेस जनवरी में है। एक से 1.5 साल बच्चों का खराब हो गया, उसकी कंपेंसेशन कौन देगा? खास करके उन बच्चों को जिनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी फैमिली को इस समय फंड की रिक्वायरमेंट है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इंस्टीट्यूट ले सकता है? क्या इंस्टीट्यूट उनके घर में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता है? नहीं देगा, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं देता, तो ये भी नहीं देगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर इनको दिसंबर में एग्जाम्स लेने ही थे तो पहले ही क्लियर कर देते कि भैया दिसंबर में एग्जाम लेने हैं, तो जो बच्चा होता वो अकॉर्डिंगली अपनी बोथ ग्रुप्स की प्लानिंग कर लेता। अक्टूबर में एग्जाम, इन्होंने बोला कि अक्टूबर में एग्जाम देंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि चलो एक ही ग्रुप दे देते हैं, उसके बाद दिसंबर में जो कि जनवरी में होंगे एग्जाम, दूसरा ग्रुप भी कर लेंगे। अब बोल रहे हैं कि वो दिसंबर में एग्जाम होंगे। अब बच्चा तो सर ना इधर का है ना उधर का है, अब वो चाहेगा कि मैं बोथ ग्रुप दू, लेकिन टाइम ही नहीं है। अगर पहले बोलते तो बच्चा उस हिसाब से अपनी प्लानिंग तो करके चलता। इस टाइम खराब करने का जिम्मेदार कौन होगा? क्या इंस्टीट्यूट जिम्मेदारी ले सकता है? नहीं लेगा, नहीं लेगा। कैसी वर्स्ट सिचुएशन है, कैसी मिसमैनेजमेंट है। कहने को ये एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, कहने को प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, लेकिन मिसमैनेजमेंट कितनी ज्यादा है। बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल देख लो, बच्चों का फोकस नहीं रहता। अरे तुम्हें अगर एग्जाम कैंसिल भी करने थे तो पहले बताते ना। अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, 21 तारीख के आसपास की इनको प्लानिंग थी, 20 दिन पहले बता रहे हो कि अटेम्प्ट नहीं होगा। यहां तक बच्चों की क्या फ्रस्ट्रेशन लेवल है, मुझे पता है सर। मैं कितने सारे सीएम में बच्चों के साथ कनेक्टेड हूं, मुझे पता है बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है क्योंकि फोकस ही नहीं है। यही नहीं पता सर एग्जाम होगा नहीं होगा, कोई एग्जाम पैटर्न नहीं है, कोई पेपर इन्होंने मॉक टेस्ट वगैरह रिलीज नहीं करे, कुछ नहीं रिलीज किया, बस सीधा आते हैं और बोल देते हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल है, दिसंबर के साथ होंगे, दिसंबर टर्म में होंगे, जिसकी भी अभी कोई डेट शीट नहीं है। अब तो सर गुस्सा तो छोड़ो, मुझे हंसी आती है। आज मैंने देखा इन्होंने एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया, एग्जाम फॉर्म रिलीज कर दिया, डेट शीट का था पता नहीं, पेपर पैटर्न का था पता नहीं। क्या हो रहा है, ये मजाक हो रहा है क्या? मजाक हो रहा है बच्चों का? अगर मजाक करना है सर अपने लेवल तक करो, काउंसिल वालों को बोलो अपने इलेक्शंस के टाइम पे मजाक कर लिया करे, बच्चों के साथ मजाक नहीं होगा। और अगर होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम फैकल्टीज नहीं सहेंगे ये चीज। स्टडी मटेरियल में आपके कोई सुधार होता नहीं है, इतनी गलतियां, इतने एरर स्टडी मटेरियल में है, मैं बता नहीं सकता आपको। कभी कुछ कभी कुछ, कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है। अरे कहीं से बनवा लो, कहीं से बनवा लो स्टडी मटेरियल, अगर आप लोग खुद नहीं बना सकते कहीं से बनवा लो, एटलीस्ट ढंग का स्टडी मैट। तो क्वेश्चंस तुम्हें स्टडी मैट से ही पूछने हैं, लेकिन स्टडी मैट पढ़ने का कोई तरीका नहीं है, स्टडी मैट बनाने का कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। हो सकता है मेरी वीडियो के बाद कुछ काउंसिल मेंबर ये बोले कि ये तो सीएमए है भी नहीं, ये तो सीए है, इसका क्या हक बनता है हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर आवाज उठाने का? पूरा हक बनता है, क्योंकि मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड हैं, और अगर बच्चे मुझे प्यार करते हैं तो बच्चे मेरे से मेरा पूरा सपोर्ट करेंगे इस बात के लिए। तो इंस्टीट्यूट
मैं आप लोगों से, पहले भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी, आज भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लो, अपनी कम से कम एग्जामिनेशन कमेटी को, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज वगैरह होती है जो आपका स्टूडेंट के लिए सपोर्ट करता है, उसको थोड़ा सुधार लो, थोड़ा ढंग के तरीके से आप एग्जामिनेशन सिस्टम को बना दीजिए और एटलीस्ट अपने स्टडी मटेरियल को अपडेट कर दीजिए। कोई अमेंडमेंट्स का कोई पता नहीं होता, कोई करेक्शन उसके अंदर नहीं होती, प्लीज उसको थोड़ा सुधार लीजिए। मेन वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव यही है सर कि मेरे इंस्टीट्यूट से हम्बल अपील यही है कि प्लीज ये ऑनलाइन एग्जाम का चक्कर खत्म कर दीजिए। ठीक है, उनको दिसंबर में एग्जाम लेने हैं, कोई बात नहीं, हम उस चीज से अब एग्री करते हैं, अब सारे बच्चे उस चीज से एग्री करेंगे, दिसंबर में एग्जाम होंगे। अब जो करना था आप लोगों ने कर लिया, जो कि चांसेस पूरे पूरे हैं जनवरी में होंगे, लेकिन अब यहां पर आपसे हाथ जोड़ के अपील रहेगी, प्लीज एग्जाम को ऑफलाइन करवाना, पेन पेपर मोड पे कराना, ऑनलाइन कोई एग्जाम नहीं होते। प्रोफेशनल एग्जाम कैसे ऑनलाइन हो सकता है? अगर ऑनलाइन है तो आप पूरा पेपर पैटर्न चेंज कर दो और बोल दो कि पूरा एमसीक्यू होगा, यहां पर आपको टाइपिंग भी चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए, मुझे समझ में नहीं आता। या तो पूरा बोल दो कि भाई एनालिटिकल तरीके से होगा, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, एनालिटिकल पेपर होगा और एमसीक्यूज होंगे, नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दो, जो मर्जी कर दो, अगर लेना है तो ढंग के तरीके से लो ना, जबरदस्ती पेलने वाली बात थोड़ी ना होती यहां पर। तो प्लीज ऐसा मत करो, ऑनलाइन के लिए अभी कोई तैयार नहीं है और ना हो सकता ऑनलाइन, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्लीज पेन पेपर मोड वाले एग्जाम ले लो। यहां पर मैं बच्चों से ये अपील करूंगा कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट कनेक्टेड है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जहां तक भी ये वीडियो पहुंचे, आप सबको एक छोटा सा ही काम करना है, आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालनी है, आपको इंस्टीट्यूट को मेल डालनी है दैट वी वॉन्ट ऑफलाइन एग्जाम, पेन पेपर मोड एग्जाम, प्लीज कैंसल ऑनलाइन एग्जाम। क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा मेल्स आएंगे इंस्टीट्यूट के पास, उतना इंस्टीट्यूट थोड़ा एक्शन लेने में आगे रहेगा। ठीक सर, मेल कहां पर डाले? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाओ, बोर्ड ऑफ स्टडी की जो भी मेल आईडी दिखती है, बोर्ड ऑफ स्टडीज की दिख जाए, एग्जामिनेशन कमेटी की दिख जाए, कोई भी काउंसिल मेंबर की दिख जाए, सबको सीसी में डाल दो, सबको सीसी में मार्क कर दो और मेल डालो। प्लीज हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट को मेल करेगा, प्लीज हर एक बच्चा इंस्टीट्यूट को मेल जरूर 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 करो, तो जाकर वो ऑफलाइन में कन्वर्ट होगा। ठीक, और मैं मानता हूं सर बच्चे ऑफलाइन से ही खुश होंगे, ऑफलाइन ही एग्जाम होनी चाहिए, तैयारी बच्चा उस हिसाब से करता है, एकदम से ऐसे नहीं होता कि सर ऑनलाइन एग्जाम ले लेंगे, नहीं, कितना चला लोगे ऑनलाइन एग्जाम, एक टर्म दो टर्म उसके बाद फिर ऑफलाइन पे आ जाओगे, या तो पूरा रिफॉर्म लेके आओ, अगर रिफॉर्म लाना है तो ढंग के तरीके से रिफॉर्म लाओ, बिल्कुल बोल दो कि भैया ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, अब हम ऑनलाइन ही एग्जाम करवाया करेंगे, उस हिसाब से अपना स्टडी मैट भी तो बनाओ, क्वेश्चंस भी तो रिलीज करो, मटेरियल भी तो तैयार करो, मटेरियल आपका वही पुराना चला रहा है, एग्जामिनेशन सिस्टम आपको नया चाहिए, ये क्या तरीका हुआ। लोग हंसते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूं, लोग हंसते हैं ऐसी हरकतें देखकर, वो कहते हैं क्या कोर्स कर रहे हो आप लोग, ऐसे होता है ये चीजें। प्लीज अपनी इमेज आप लोगों के हाथ में है, काउंसिल मेंबर्स इंस्टीट्यूट की इमेज आप लोगों के हाथ में, तो अगर डिसीजन लेना है तो कोई ढंग के डिसीजन लिए करो, अच्छे डिसीजन लो जिससे बच्चों को फायदा हो, क्योंकि बच्चे ही आपके नाम को आगे पहुंचाएंगे, अगर बच्चे सेटिस्फाई नहीं है ना, ये ध्यान रखना आपका नाम नहीं उठ पाएगा, आपका नाम नहीं उठ पाएगा मार्केट में, कोई आएगा ही नहीं, नाम कैसे उठ जाएगा, कोई रिकमेंड ही नहीं करेगा इस कोर्स को, कैसे नाम उठ जाएगा, समझ रहे हो? मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा कई बार मन करता है कि मैं भी सीएमए क्वालिफाई कर लेता हूं, कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लूंगा, लेकिन ये हरकतें देख के मेरा मन नहीं करता, मैं बेटर हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। प्लीज इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतनी अच्छी आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी वैल्यू इस आपकी डिग्री की वजह से बच्चों की पीएसयू में अच्छी अच्छी जॉब्स लगती हैं, लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम बिल्कुल वाहियत, बिल्कुल खराब, कोई कम्युनिकेशन नहीं ढंग की, कोई कुछ नहीं, सारा मिसमैनेज्ड, टोटली मिसमैनेज्ड। तो प्लीज काउंसिल मेंबर्स हाथ जोड़ के अपील है, एक तो ये अपना मैनेजमेंट को थोड़ा सुधारो, ढंग के तरीके से आप डिसीजन लिया करो, और ऑफलाइन एग्जाम इस बार हमें चाहिए, हमें ऑफलाइन चाहिए, और दूसरी चीज जल्दी से जल्दी विद इन अ वीक हमें ये चाहिए कि हमारी डेट शीट क्या है, अगर आपको जनवरी में एग्जाम लेना है तो प्लीज क्लियर कट बता दो कि आपकी डेट शीट क्या है, कौन सी डेट पे आप एग्जाम लेने वाले हो। सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही तो सर वो आपकी प्लानिंग है, उसमें बच्चों को प्लीज अफेक्ट मत करो, आप अपनी डेट डिसाइड कर दो कि भैया हम इस तारीख से एग्जाम लेंगे, अकॉर्डिंगली आप अपने सेंटर ढूंढने शुरू करो, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है कि सेंटर नहीं ढूंढ सकता, आराम से ढूंढ लेगा, ढूंढना नहीं चाहते, बस ढूंढना नहीं चाहते, काम कौन करेगा। तो प्लीज बच्चों की लाइफ के साथ, बच्चों के टाइम के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करो, बच्चे बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, प्लीज ऐसा मत करो, थोड़ा इसको सुधार लो,
तो आगे जाके बच्चा इस कोर्स को पसंद करेगा, इस कोर्स को परस्यू करना चाहेगा, अदरवाइज बीच में भी छोड़ छोड़ के भागने लग जाएंगे बच्चे, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। और बच्चों प्लीज आप लोगों से अपील यही है कि इंस्टीट्यूट को ज्यादा से ज्यादा मेल डाल दो कि भाई हमें ऑफलाइन एग्जाम चाहिए। ठीक। अच्छा, कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर अब हम क्या करें, जैसे हम सिंगल ग्रुप कर रहे थे तो क्या हम बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? वो तो इंस्टीट्यूट ने ऑप्शन दे दिया है कि भाई आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर दो, अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बोथ ग्रुप्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मेरी एडवाइस रहेगी कि आप कर सकते हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आप मान के चलो पूरे पूरे तीन महीने आपके पास है, पूरे पूरे तीन महीने आपके पास है। अगर आपको बोथ ग्रुप्स मतलब सेकंड, जैसे फर्स्ट ग्रुप अगर आप पढ़ रहे हो तो सेकंड ग्रुप आपको पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, और उसका एग्जाम भी आप अगले तीन महीने में तैयार करके उस पेपर को भी लिख सकते हो। ठीक है जी। बोथ ग्रुप्स के लिए मतलब सेकंड ग्रुप के लिए सर हमारी कुछ क्लासेस भी अवेलेबल है, उसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको क्लासेस की डिटेल वहां पर भी दे दूंगा। प्लस यहाँ पर मैं कोई मार्केटिंग वगैरह अपनी कोई कमर्शियल मेरा वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बस यही है कि इंस्टीट्यूट तक आवाज पहुंचानी है कि अपनी मैनेजमेंट सुधारो और ऑफलाइन एग्जाम्स बस अब हमें चाहिए, तो प्लीज ऑफलाइन एग्जाम्स करो। ठीक है जी। चलो फिर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे आप लोग मेरा साथ दोगे और इस वीडियो को, इस वॉइस को जितना ज्यादा हो सके फैला दोगे और ऊपर तक ये आवाज आप पहुंचा के रखोगे। ठीक है जी। चलिए फिर, अच्छे से पढ़ाई करो, थोड़ा स्ट्रेस लेवल को रिलीज करो, फ्रस्ट्रेट मत हो, रिलैक्स होकर पढ़ाई करो। अब जो हो गया हो गया, जो डिसीजन निकाल दिया हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। लग जाओ सर दोबारा। ठीक। सिंगल ग्रुप था, बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप दो, अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। कोई दिक्कत परेशानी हो तो डू व्हाट्सएप मी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।